धार जिले के बदनावर तहसील स्थित ग्राम सलोदा बुजुर्ग में दीपावली के दूसरे दिन पारंपरिक गाय गौहरी पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया गया। अपने पशुधन को सजा धजा कर पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। सिलौदा बुजुर्ग में बड़ी धूमधाम से मनाया गया गाय गौहरी पर्व। पर्व वर्ष की भी सिलौदा में विशेष आयोजन हुआ, जहां श्रद्धालुओं ने अपने पशुधन को मोरपंख, फूलमाला और अन्य सजावटी सामग्रियों से सजाया। इस दौरान मंदिरों में विधिवत पूजा अर्चना की गई और ढोल नगाड़ों के साथ लोग गायों को लेकर उत्सव स्थल पर पहुंचे। जैसे ही मन्नतधारी श्रद्धालु भूमि पर लेटे, गांव की सैकड़ों गायों को उनके ऊपर से निकाला, जो सभी श्रद्धालुओं के लिए एक अद्भुत और रोमांचक अनुभव था। अच्छा, ये आज जो गौहरी आपने जो पढ़ी है, क्या मान्यता है इसकी? मान्यता यह है कि अपने कुछ भी मन मांगे करते हैं, जिसके घर लड़का लड़की नहीं होती वो पूर्ण होती है। वो मन में रहती है, किसी को बताने कुछ भी मान ले लो तो पूर्ण होती है। अच्छा, तो ये किस दिन पड़ी जाती है? गुड़ी पड़वा के दिन। गुड़ी पड़वा के दिन पड़े। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये तो कोई पता नहीं कब से, हमको भी पता नहीं है कब से पड़ रहे हैं ये। शुरू से क्या मालूम कब से पड़ रहे हैं? हमारा बाप दादा का बाप दादा से हम भी पढ़ने लगे। पूरी रात जागरण करते हैं इसके बाद। तो अच्छा, इसके पहले क्या मतलब आयोजन होता है आपके? जैसे गाँव से बाहर रहते हैं, लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी पूजन के दिन से बाहर शाम के 6 बजे से बाहर हो जाते घर के बाद, जिसके बाद में किसी के घर में जाने का बंद रहता है। सबका ठीक है। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि चौधरी है।